My name is Matthew Bogdanos. I am the chief of New York's Antiquities Trafficking Unit. On behalf of the District Attorney of New York County, Alvin Bragg Jr., it is truly our honor and our privilege to return to the people of Pakistan their glorious heritage. Since I have been the chief of this unit, this is our fifth such celebration. And in that time, we have returned to Pakistan tens of millions of dollars of testaments to the shared cultural heritage of all humanity. But that is not the best way to view the true value of these objects. What you see before you now are antiquities that span 5,000 years of civilization that is represented by the modern day nation of Pakistan. And it is truly our privilege and our humbling honor to be able to return these home where they belong. आज ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस में न्यूयॉर्क में एक ये जो तकरीब का अहतमाम किया गया था वो इस लिहाज से था कि जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ अदवार में नवादरात स्मगलर्स चुराते रहे हैं वो यूएस मार्केट में लाए थे और हम बहुत शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो इनकी एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट है स्मगलर्स यूएस गवर्नमेंट की और इनलैंड होम सिक्योरिटी उन्होंने न सिर्फ इन कीमती नवादरात को जो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से पकड़ा बल्कि हमसे मुस्तकिल रबते में रहे और आज हमारा इस सिलसिले में एक एमओयू हुआ है जो इनको अब हिफाजत हम पाकिस्तान वापस लेके जाएंगे। बहुत पुराने नवादरात हैं, इनकी तारीखी वैल्यू आप इससे अंदाज़ा करें कि 4 से 5 हज़ार साल पुराने इसमें नवादरात हैं और इनकी तादाद और इनकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो बहुत खुशी हमें हुई आज इनसे मिलके, इन्होंने बहुत हेल्प की है और ये जो कोलैबोरेशन है हमारी दो तरफा ये जारी रहेगी।